आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आंवला नवमी का पर्व शिव की नगरी में धूमधाम से मनाया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। सिवनी में शिला देही के अलावा शनि धाम, अंबा माई महाकालेश्वर की टेकरी पर और अन्य स्थलों पर महिलाएं पुरुष एकत्र हुए और उनके द्वारा आंवला नवमी की पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया गया। हिंदू धर्म में अक्षय नवमी का दिन बहुत शुभ माना जाता है। ये पर्व अक्षय तृतीया के बराबर ही महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन सतयुग की शुरुआत हुई थी। अक्षय नवमी को आंवला नवमी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने की परंपरा है। आंवला नवमी के दिन लोग व्रत रखकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव का पूजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अक्षय नवमी की व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, अन्यथा आंवला नवमी की पूजा अधूरी ही मानी जाती है। आंवला नवमी के दिन बिना मुहूर्त देखे कई अनेक शुभ कार्य आरंभ किए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि अक्षय नवमी के दिन श्री हरि की पूजा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। 2024 में 10 नवंबर को अक्षय नवमी का व्रत रखा गया। अक्षय नवमी के दिन व्रत रखकर पूजा के दौरान कथा का पाठ सभी के द्वारा किया गया। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार बहुत पहले, काफ़ी पहले समय की बात है कि एक गांव में एक सेठ रहा करता था। हर साल नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर उसके द्वारा भोजन कराया जाता था। भोजन कराने के साथ ही वह सोने चांदी की भेंट भी उन्हें देता था, लेकिन यह सब कर सेठ के बेटों को यह सब पसंद नहीं आता था। ऐसे में सेठ के बेटे इस बात पर अपने पिता से विवाद करते थे। इन सब चीज़ों से तंग आकर सेठ ने अपना घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। दूसरे गांव में बसने के बाद जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान खोल ली। इसके साथ ही सेठ ने उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा से उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। इसके अलावा सेठ अपने नियम के को ना तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराता था और उन्हें दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के बेटों का सारा व्यापार ठप्प पड़ गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ में आ गया कि वे अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे और कमाते थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे अपने पिता के पास गए और गलती की माफ़ी मांगी। फिर पिता से कहने लगे। पिता के कहने के बाद सेठ के पुत्रों ने भी आंवले की पूजा आरंभ की और दान दक्षिणा करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर खुशहाली छा गई और वे सब मिलकर सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। आंवला वैसे भी बहुत पौष्टिक माना जाता है। आयुर्वेद में आंवले का विशेष महत्व है, इसीलिए आंवले का पेड़ लगाना बहुत शुभ माना जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। महाकालेश्वर धाम में महिलाओं के द्वारा यहां आप देख सकते हैं पूजन पाठ किया जा रहा है। आंवले का पेड़ आप देख रहे हैं, आंवले के पेड़ के नीचे वे पूजन पाठ यहां पर करती हुई महिलाएं आपको नज़र आ रही होंगी। वैसे भी शिव की नगरी सिवनी में सभी धर्मों के त्योहारों का पूरा सम्मान किया जाता है। परंपरागत उत्साह उल्लास उमंग के साथ इन सारे त्योहारों को मनाया जाता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। यहाँ देखिए किस तरह विधिवत पूजन पाठ यहाँ पर जारी है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज़ में धर्म प्रभाग पृथक से आरंभ कराया गया है, जिसमें धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों, किंवदंतियों, कथाओं के आधार पर बहुत सारी जानकारियां आप सभी के लिए लेकर आई जाती हैं। इसके लिए आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के धर्म प्रभाग को देखना ना भूलें। उसमें आपको बहुत सारे ऐसे प्रसंग मिलेंगे, बहुत सारी खबरें मिलेंगी, जिसमें आप धार्मिक मान्यताओं से रूबरू हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। यहाँ देख सकते हैं आप महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब यहाँ पर पूजन करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। ये नज़ारा
सिवनी के महाकालेश्वर टेकरी का हम आपको दिखा रहे हैं। महाकालेश्वर टेकरी में आंवले के पेड़ लगे हुए हैं और इन पेड़ों के आसपास पूजन पाठ यहां महिलाएं करती हुई दिखाई दे रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अक्षय नवमी और आंवला नवमी एक अन्य कथा है जो कथा लक्ष्मी माता के पर आधारित है, वो कथा हम आपको भविष्य में कभी आपको बताएंगे। हिंदू धर्म में अक्षय नवमी का दिन बहुत शुभ माना जाता है और ये पर्व अक्षय तृतीया के बराबर ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसा जानकार विद्वानों के द्वारा बताया गया है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। आयुर्वेद में आंवले को बहुत पौष्टिक और अनेक गुणों की खजाना माना गया है। आंवले को सर्दियों में आंवला आता है और सर्दियों में आंवले के सेवन से अनेक रोग अनेक व्याधियां दूर होती हैं। इस तरीके की बात आयुर्वेद आचार्य भी बताते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। शिव की नगरी सिवनी में आंवला नवमी पर पूजन पाठ यहाँ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। पूजन पाठ करते हुए श्रद्धालु यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। आंवले के पेड़ के नीचे आंवले का पूजन और यहीं उसके बाद प्रसाद भी इनके द्वारा ग्रहण किया जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।